मौनी अमावस्या से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, होगा धन लाभ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले बुध ग्रह मकर राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को धन लाभ की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने में अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस साल 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या है। इस दिन स्नान दान करके धार्मिक कार्यों को किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने वालों को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उनके पितरों का आशीर्वाद और इष्ट देव का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले यानी 8 फरवरी 2024 को बुध ग्रह मकर राशि में अस्त होने जा रहे हैं। ग्रहों के अस्त होने और उदय होने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका असर मेष राशि से लेकर मीन तक 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। हालांकि कुछ राशियों पर बुध की चाल बदलने से पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है, लेकिन बुध के अस्त होने से किन राशियों का चमकेगा भाग्य, यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए ये शुभ समय रहेगा। वाहन की खरीदारी के लिए भी बहुत शुभ और उत्तम समय रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन आप भूमि की खरीदारी, किसी वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। धन लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। दोस्तों की मदद से आपके करियर में आ रही परेशानियां दूर होंगी। आपको अपने साथियों का, दोस्तों का साथ भरपूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने की आपको पूरी पूरी संभावना है। आपका जीवन यापन बहुत हंसी खुशी होगा। सुख संपदा में वृद्धि के साथ साथ आय के नए साधन बनेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में बढ़ोतरी के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में लाभ होगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ कर्ज से मुक्ति की पूरी संभावना बन रही है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं। व्यापार में लाभ होगा। करियर में अपार सफलता मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की। जी हाँ दोस्तों, आय के नए सोर्स से पैसा आएगा। नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। शुभ समाचार किसी भी पक्ष से सुनने को मिल सकते हैं। तरक्की के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन आप दान पुण्य अवश्य करना। माना जाता है कि इस दिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इन राशियों के अलावा जो भी राशियां हैं, जिनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा या संकट है, अगर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट भी आ रही है, तो दान इत्यादि करने से उनकी बाधाएं परेशानियां दूर होगी। दोस्तों किसी भी प्रकार का दान आप कर सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप पैसे का दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता है। इस दिन आप पर दान करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। इसके साथ लक्ष्मी जी और नारायण जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके इष्ट देव, जिसको भी आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर बरसेगा। अगर आप इस दिन दान पुण्य करते हैं तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।